हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थ्री प्लीज टेक आउट योर मैथ्स बुक। एक्सरसाइज 10.4, एक्सरसाइज 10.4 पेज नंबर 143। अच्छा, पहले जो था 10.1, 2 एंड 3, उसमें हम लोग मनी का किए थे। मनी का उसमें कॉन्वर्ट था, फिर एडिशन था, सब्सट्रैक्ट था, मल्टीप्लिकेशन था। अभी आ गया है डिवाइड। नॉर्मली तुम लोग जैसे डिवाइड करते हो वैसे ही डिवाइड करना है, बस इसका इसमें सिर्फ रुपीज़, पैसा, ये सब इसमें ऐड है। तो इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं है नॉर्मली डिवीजन से, लेकिन मैं दो तीन करके दिखाती हूँ। बाकी जितना सारा है तुम लोग होमवर्क करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं दिखा दूँगी, ठीक है। तो देखो 10.4 का नंबर वन, मतलब ए का जो है, रुपीज़ 482 बाई 2, मतलब 482 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो कैसे जो है वो पहले लिखूँगी, उसके बाद जो नॉर्मली है डिवीजन वैसे ही करूँगी। 482 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 टू ज़ा 4, 8 आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ओके, क्लियर। तो ये हो गया ए का। अभी बी सी डी ई ये सब तुम लोग खुद करना। एफ का मैं दिखा रही हूँ, देखो रुपीज़ 632 बाई 8, तो 8 से डिवीशन करना है। 7 8 ज़ा 56, उधर से माइनस करके आया 7, इधर से 2 आया, तो 8 9 ज़ा 72, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी और आई का, मैं करके दिखाई हूँ। जी का देखो क्या है, 24.04 बाई 4, तो इसमें पॉइंट है, तो नॉर्मली जैसे होता है डिवीजन वैसे ही होगा। पॉइंट के जगह पॉइंट जब आएगा तब वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 4 से पहले डिवाइड करेंगे, 4 6 ज़ा 24, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आगे और भी कुछ था तो उसको हम लोग नीचे उतारते, लेकिन इधर ही ये कंप्लीट हो गया, तो ये जो पॉइंट है वो ऊपर चला जाएगा। जब तक ये, मतलब पॉइंट के आगे जो डिजिट है वो जब तक डिवाइड, फुल्ली डिवाइड ना हो, तब तक मैं पॉइंट के पीछे नहीं जा सकती। ये फुल्ली डिवाइड होगा, उसके बाद ये पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें ज़ीरो है, ज़ीरो को उतारेंगे, ठीक है, फिर फोर को भी उतारेंगे, ठीक है। तो देखो, ज़ीरो सिर्फ उतारने से मेरा डिवीशन नहीं, आगे नहीं जाएगा, तो उसके लिए मुझे फोर को भी नीचे उतारना है, तो फोर को भी मैं उतारी हूँ। अभी देखो, हम लोग एक डिजिट उतार सकते हैं, वन टाइम एक डिजिट उतार सकते हैं, लेकिन जब डबल डिजिट उतारने का वक्त आएगा, मतलब एक डिजिट से नहीं होगा, हमको डबल डिजिट उतारना है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे। डिवीशन में कभी एक साथ दो ठो डिजिट नहीं उतरता है, तो दो ठो डिजिट जब उतारने का ज़रूरत पड़ेगा तब हम लोग क्या करेंगे, इधर एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर जाके हम लोग दो डिजिट एक साथ उतार सकेंगे, ठीक है। तो इधर ज़ीरो लगा के 04 उतारे, उसके बाद 4 1 4, क्लियर। तो ये जी का समझ में आ गया। अगर प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं दोबारा समझा दूंगी, लेकिन गलत सोच के मैथ्स नहीं करने जाना, तो वो गलत ही होगा, कभी सही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आई का मैं दिखा दे रही हूँ, एच का तुम लोग खुद कर लेना। आई एच का भी पॉइंट में ही है, मैं आई का दिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें देखो, नॉर्मली जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे। इसमें क्या है, देखो जो जी में था वो एक बार में ही 24 आ गया था, लेकिन इसमें क्या है, 3 टू ज़ा 6, अभी 8 बचा है, पॉइंट के आगे 8 बचा है, तो हम लोग 8 को उतारेंगे। 4 टू ज़ा 8, ये जब पूरा, देखो पॉइंट के आगे जब पूरा ये वाला डिवीजन कंप्लीट हुआ, फिर जाके मैं पॉइंट को हाथ लगाऊंगी। तो पॉइंट को अभी उतारेंगे, मतलब उधर लगा दी हूँ, फिर 4 को उतारी हूँ, 4 टू ज़ा 4, फिर 8 को उतार के 4 टू ज़ा 8, क्लियर। तो 10.4 कंप्लीटेड, ओके।